press the bell icon on the YouTube app and never miss a को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार वीडियो में आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके सामने होंगे भारतीय मूल के जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट सुमित जैन साहब, और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत में और खासकर भारत और ईरान के रिश्तों पे, और खासकर भारत ने अपने दम पे चाबहार पोर्ट को हासिल कर लिया। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू एंड नी हाओ, क्योंकि हमारे साथ सुमित सर हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। नी हाओ आपको सीख, देखो आपका जो एक्सेंट है वो भी ठीक होना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि आपने अपनी लैंग्वेज सीखनी शुरू कर दी है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर आप ये बताइए कि इंडिया और साथ ईरान जो है वो ट्रेन सर्विस जो है दोबारा से शुरू करने की बात की जा रही है, जो कि चाबहार पोर्ट और जायदान के बीच में होगी। तो क्या लगता है आपको कि ये शुरू किया जा सकेगा ये प्रोजेक्ट, या एक बार फिर अमेरिका कहेगा कि अगर किसी ने ईरान के साथ काम किया तो सैंक्शंस लग जाएंगे? आरजू जी, पहली बात यह कि आप पाकिस्तान से बैठकर इसके ऊपर वीडियो बना रही हैं, इसका मतलब है कि आपको लगता है कि ये, क्योंकि इस वर्ड जो है ना उसके अंदर दान है, तो आपको भी शायद दान में कुछ मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पोर्ट है, ये दो सिटीज के नाम है जहां बाहर से जाना है। उस पर दान का मतलब ये नहीं होता कि जितने आसपास के कंट्रीज हैं उनको भी दान में कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी कोई मंशा नहीं है। अब रही बात ये प्रोजेक्ट पूरा होगा नहीं होगा, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों करना पड़ रहा है, सानू की पैगी है कि यार अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, अभी हम पूरी स्पीड पे इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका रीजन है कि भारत जो है अपना सेंट्रल एशिया, जिसको हम सेंट्रल एशिया की कंट्रीज बोलते हैं, जो पहले यूएसएसआर का पार्ट होती थी, वहां तक अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम वहां पर दो तरह के रास्ते बनाने की बात करते हैं। एक तो हमने बनाने में पोर्ट ले लिया चाबहार, और चाबहार जब से लिया है उनके वारे न्यारे हो गए हैं। आपने जब से ग्वादर दिया है चाइना को दिया है, तो तब से आपके तो बताए आपको वाट लगी पड़ी आपकी, तो आपके तो जो है जो तोते थे वो भी उड़ उड़ के जा रहे हैं। तो हमने वहां पे पोर्ट बनाया चाबहार में, और वहां पे बाहर ही बाहर हो गई है। अब वहां से रेल लाइन ऊपर सेंट्रल एशिया तक जाएगी ताकि हमारा रूट एक तैयार हो जाए। दूसरा रूट हमने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है, जो पीओके से सीधा हमारा सेंट्रल एशिया को जाएगा, क्योंकि थोड़े को तो सेंट्रल को है, अभी तो कब्जा किया हुआ आपने पीओके के ऊपर, लेकिन आपने कोई रास्ता बनाया नहीं, ना ही आपको कोई रास्ता बनाने देगा उनको, क्योंकि जिहादी नहीं चाहिए, तो उन्होंने आपको रास्ता बनाने की परमिशन नहीं दी, बात भी शुरू नहीं करी है। लेकिन भारत से उन्होंने ऑलरेडी बात शुरू कर दी है कि भाई पीओके से रास्ता सीधा हमारा भारत से सेंट्रल एशिया तक चलेगा, यानी कि दो रोड जाएंगे, एक रोड जाएगा उधर से पोर्ट से रेलवे लाइन और सेंट्रल एशिया तक। हमने, आप सोच के देखिए जो ये आरजू जी हमारे साथ हो क्या रहा है, अभी हमने रेलवे लाइन डालनी है, रूट बना नहीं है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर बोलते हैं, और जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, जो सारी नीचे फिलीपींस हो गया, ये वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सबको बोल दिया है कि भाई आप हमारा ये रेलवे लाइन को, और हमारा जो चाबहार पोर्ट है, हमारा बोल रहा हूँ, समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा जो चाबहार पोर्ट है उसके अंदर आप अपना माल सेंट्रल एशिया तक भेज सकते हैं, आप अपना माल हमें भारत में भेज दीजिए, वहां से हम आगे ट्रांसफर कर देंगे। और ये सारी कंट्रीज अब जिसको ग्लोबल साउथ की कंट्रीज बोलते हैं, वो सारी की सारी भारत के साथ जुड़ गई हैं ये सारे काम करने के लिए। तो यही होता है जब कोई दूसरे कंट्री दान के ऊपर काम कर रही हो, और हम है ना, यहाँ पे एक वर्ड होता है मैदान चाइना में, उसका मतलब होता है बिल पे करने वाला आदमी, तो हम मैदान पे बात बिलीव करते हैं, कई कंट्रीज दान पे लगी रहती हैं, वो दान देखती है कहाँ से मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये फर्क होता है कंट्री टू कंट्री। लेकिन सर एक वर्ड और होता है धनवान, और वो हम हैं, हमें हर तरफ से पैसा लिया लेकिन हम अब धनवान बन गए, तो इसलिए आप हमें ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन स्टिल ईरान हो चाहे भारत हो, उसको लेकर अमेरिका काफी, हमने देखा कि कई बार सेंसिटिव रहता है, और कई तरह की ऐसी भी स्टेटमेंट्स आती हैं अमेरिका की तरफ से जो भारत के हक में नहीं होती। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ईरान के साथ जब भी कोई काम करने की कोशिश करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री, तो वो सैंक्शंस की वजह से उनमें उसके काम में रुकावट आती है। तो आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट हो सकेगा?
वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे मालूम है क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि आईएसआर ने बोला होगा या एफआईआर ने बोला होगा कि सुमित जैन से क्वेश्चन जरूर पूछना है आपने। तो एनीवेज मैं इसका आंसर देता हूँ। आंसर ये है कि आपको रोका जाता है क्योंकि थोड़ी तो गिच्ची वैसे ही हरेक के हाथ में है। गिच्ची बोलते ना, गिच्ची पंजाबी में गिच्ची इसको बोलते हैं ना, आपको पता ही होगा। तो आपके गिच्ची जो है उसको तो हरेक कंट्री ने पकड़ा हुआ है, तो जिसका मन करता है खींच लेता है अपनी तरफ से। हमारे साथ ऐसा नहीं है। ईरान के साथ हम अपना पोर्ट भी हमने ले लिया, क्या उखाड़ लिया किसी ने हमारा, अब रेलवे लाइन भी पड़ रही है और पड़ेगी भी। हमारा एमओयू मई में साइन हुआ है और इसके ऊपर तेजी से काम भी होगा। और भारत ने अब दिखा दिया एक चीज करके तो, कि अब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड बोलते हैं, वो भाई वहां पे जो डब्बे हैं इलेक्ट्रिक ये जो मेट्रो के और रेलवे के, वो भारत से जा रहे हैं आज की डेट में। डेट मीन्स हमारी स्पीड है मैन्युफैक्चरिंग की और इम्प्लीमेंट करने की भी। और ये चाबहार पोर्ट जो हमने लिया है, क्या आपको लगता है कि इट वॉज दैट ईजी? चाइना लगा हुआ था उसको लेने के लिए, पाकिस्तान नहीं चाहता था ये पोर्ट भारत के पास आए, अमेरिका भी नहीं चाहता था, हमने फिर भी ले लिया। ये है दादागिरी अब भारत जो दिखाएगा और दिखाता भी जा रहा है। ये पोर्ट लेने के बाद हमने एक मैसेज तो दे दिया सारी दुनिया को, हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। नो बडी विल बी नाउ अलाउड टू टेल अस कि हम क्या करें या क्या नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर पोर्ट ले लिया है तो रेलवे लाइन भी पड़ेगी, किसी का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं आएगा। उसका रीजन एक तो यह है कि हम दादागिरी जो दिखा रहे हैं उसका रीजन भी है, हमें मालूम है कि अमेरिका को भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है कई मामलों में, स्पेशली चाइना को लेकर और इंडो पैसिफिक के अंदर जो भारत का वहां पर जो स्टेटस है, जो जरूरत है, वो कोई भी नकार नहीं सकता। अगर अब हमने नेगोशिएट नहीं करना तो कब करना है? जब पाकिस्तान जैसी सिचुएशन होगी, कांग्रेस के जब टाइम था हमारा तो हमारी सिचुएशन भी आपकी तरह थी, भीख मांगते कर रहे थे सारी दुनिया से, वी वर इनटू फ्रेजाइल फाइव, कभी भी लुढ़क सकते थे जैसे आप लुढ़कते फिरते हो, तो वो टाइम हमने भी देखा है। लेकिन अगर आज हमने अपनी इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद मिलिटेरली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, अगर उसके बाद भी हमने नेगोशिएट नहीं करना तो कब करना है? तो ये तो दादागिरी दिखाने का टाइम है, दिखा भी रहे। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि अमेरिका को बहुत जरूरत है इस वक्त भारत की, और वो भारत के साथ काम करना चाह रहा है या रहना चाह रहा है या टर्म्स अच्छे करना चाह रहा है, तो फिर ये तरह तरह की जो स्टेटमेंट आती हैं, कभी कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है भारत ने पैसे दिए हैं, वो भी आपने देखा होगा उनकी जो थी एक्स एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट जो थी, उन्होंने भी एक इल्जाम लगाया भारत के ऊपर। उसके बाद एंथोनी ब्लिंकन ने भी कहा कि जी माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है। तो अगर ये सब कुछ और भी कई चीजें अमेरिका की तरफ से और कनाडा की तरफ से आती रहती हैं, अगर इतनी ही उनको भारत के साथ टर्म्स ठीक रखने होते हैं, तो ये स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? ओके, अब दोनों स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको विश्लेषण देता हूं। पहली बात, आपने बोला कि भी वो स्टेटमेंट दे दी उन्होंने कि हमने पैसे दिए और तालिबान से हमने काम कराया, ये कौन सा सीक्रेट है? ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि भाई हमने अपने टेररिस्ट जो थे, हमारे टेररिस्ट थे, हमने मार दिए, साडा माल असि जो मर्जी करिए तुहानू होगी तुसी तुसी कौन? आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैं आ रहा हूं उसके ऊपर, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। आप इतनी उछल क्यों रही है भाई? दाऊद के ऊपर वीडियो आपने बनाई थी सबसे पहले, अभी आप उछल रही है दोबारा से? अभी पहले बात तो सुन लीजिए। चलो ज्यादा 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 उछलना जो होता है ना वो अच्छा नहीं होता। दाऊद के मामले में आपको कितनी बार पड़ी है आपको पता ही है, इसलिए थोड़ा सा शांत। दूसरी बात, जो ये सारा काम हुआ, ये सारा जो थी उसने जो बोला, जो कुछ सारा थी या सहारा थी या बेसहारा थी, मुझे नहीं मालूम वो कौन थी, लेकिन वो एक्स सीआईए की लेडी है, उसने क्या बोला, मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने $10 मिलियन तालिबान को दे दिए हैं और वहां से वो ऐसे काम करवा रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। उसने ये नहीं बोला कि भारत ये काम करवा रहा है, ये तो आपका इंटरप्रिटेशन है। आप प्लीज, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश में था, हो सकता है पाकिस्तानियों को समझने में दिक्कत आई हो, आप जाकर उसको पहले उर्दू में या पंजाबी में ट्रांसलेट कराइए, फिर आपको समझ आएगा। उसने बोला कि हमें लगा कि यार हम तो तालिबान को, अगर सर अगर ऐसा लगता भी है तो उसको ऐसा क्यों लगता है? ये है ना कि बात तो सारी ये कि अमेरिका एक तरफ भारत के साथ अच्छे करना चाह रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं हमें ऐसा लगता है। अगर हम किसी से टर्म्स अच्छे करना चाहते हैं तो हम उसके बारे में नेगेटिव बात नहीं करते। देखिए कई बार क्या होता है कि कई एक्स होते हैं ना, एक्स मैं एक्स जो होता है वो दूसरी एक्स जो होती है, जो आप चलाते रहते हैं आपके धर्म में अलाउड होती है चलाना, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप हिंदुओं में हिंदुओं के ऊपर चलाते रहते हैं वहां पर, वो नहीं, मैं दूसरी एक्स बोल रहा हूँ कि एक्स सीआईए ऑफिसर है। अब जो एक्स वाले होते हैं, अब इनको कोई पूछता तो है नहीं, आपको भी मालूम है आपके कंट्री में भी कई एक्स
आर्मी अफसर हैं और हैं जिन्होंने पैसे कमा लिए वो तो बोलते नहीं है, तो जिन्होंने नहीं कमाए होते वो उल्टी सीधी बातें कोई ना कोई बोलते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर आके, और छत्र भी पड़ते हैं उसके बाद, वो दूसरी बात है। वही हाल इसका भी है, ये सारा का जो बेसहारा हुई पड़ी है, CIA से निकल चुकी है, अब स्टेटमेंट दे दिया, पूरी दुनिया में बात हो रही है उसके बारे में। तो ऐसे ही होता है कई बार कि एक पब्लिसिटी लेने का एक स्टंट भी होता है। दूसरी बात, अमेरिका आज अगर माइनॉरिटीज के बारे में बात कर रहा है, वो भी मुझे लगता है आपने थोड़ा सा इंटरप्रेट गलत कर दिया। आपके लिए तो माइनॉरिटी हमेशा लगता है कि जो 20% पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर जिहादी रहते हैं वो आपको माइनॉरिटी लगती है। उन्होंने क्या बोला कि जो माइनॉरिटीज हैं वो बड़े डरी हुई हैं भारत में, तो वो किसकी बात कर रहे थे? जहां जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में आ गया है भारत के अंदर, उस एरियाज में वो हिंदू डरा हुआ है। वो आपको लगता है माइनॉरिटी मतलब कि मुसलमान, वो ऐसे नहीं है, वो हिंदुओं की बात बोल रहे थे, क्योंकि हमारे कई जगह पे हिंदू माइनॉरिटी में आ गए हैं, ये जिहादी बढ़ गए हैं वहां पर कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई करके। तो वहां पर जो हिंदू अब थोड़ा डरा हुआ है उसके बारे में बात कर रहे थे, तो थोड़ा देखिए समझना पड़ता है आपको। अमेरिका क्या बोल रहे थे, सर क्रिश्चियंस भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है ना आपके माइनॉरिटी, और भी कई रिलीजन है। वही कह रहा हूँ मैं कि जहां जहां पर ये सारी बाकी की जो पॉपुलेशन हैं, जहां पर मुसलमान बढ़ गए हैं कॉकरोच की तरह मल्टीप्लाई कर गए हैं, वहां पर बाकी सारे माइनॉरिटी में आ गए हैं, वो सारे डरे हुए हैं क्योंकि वहां पे उनका जीना हराम किया हुआ है। वो कहते हैं सीधा पाकिस्तान पर आ गए थे, वहां पे पाकिस्तान के झंडे भी फैलाने लग जाते हैं, कोई बात नहीं छितर पड़ेंगे सीधे हो जाएंगे। अब वैसे 2002 में हमने आपको दिखा दिया था कि इनको छितर मारने के बाद सीधा कैसे किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और सुमित जैन साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा, और इस वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।